5 अक्टूबर से भारत में विश्व कप का आगाज हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बार विश्व कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल देखा जा चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से लगातार विश्व कप को लेकर काफी अलग अलग प्रतिक्रिया आ चुकी है, लेकिन अब इस मुकाबले से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत में माहौल बिगाड़ने का काम किया है। दरअसल में ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं राणा नावेद, जो पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने हैदर अली पॉडकास्ट के एक एपिसोड के दौरान कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से भारत में काफी विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल में नावेद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, ये बात उन्होंने एक पॉडकास्ट में कही जब उनसे हैदर अली ने ये पूछा कि भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर आपका क्या नजरिया है, कौन फेवरेट है। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि भारत के मुसलमानों से उनको सपोर्ट मिलता है। उन्होंने मैच से पहले जहर फैलाने का काम किया है। अपने बयान में राणा नावेद कहते हैं, अगर भारत में कोई मैच होता है तो भारत फेवरेट होता है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है और अच्छा मुकाबला होगा। जहां तक दर्शकों की बात है तो मेरा मानना है कि मुसलमान हैं वहां काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगा। भारत के मुसलमान हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैं यहां दो सीरीज़ खेला हूं, अहमदाबाद और हैदराबाद में। हमें दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। राणा नावेद के इस बयान से काफ़ी ज़्यादा बवाल मच सकता है। दरअसल में देश में वैसे ही हिंदू मुसलमान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद पहले ही देखा जा चुका है, और अब राणा नावेद का ये बयान कहीं भारत देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान भारत के मुसलमानों पर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर चुकी हैं। दरअसल में जब साल 2021 के T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था, तब पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने ये कहा था कि ये जीत पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस्लाम की जीत है। भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की इस जीत से खुश हो रहे हैं। इस तरह के बयान के बाद भारत में भी काफ़ी बवाल देखा गया था, लेकिन अब यहाँ राणा नावेद के बयान से भी कहीं ना कहीं विवाद का माहौल बन सकता है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान द्वारा इस तरह का बयान भारत के मुसलमानों पर लालछन लगाने जैसा है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारतीय मुसलमानों का राणा नावेद के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।